विकलांग पति के साथ पत्नी 3 महीने से अनशन पर बैठी है, नहीं हो रहा कोई सुनवाई। जी हाँ, पूरा मामला बांदा शहर के अशोक लाट त्राह का है, जहाँ पर बांदा देहात कोतवाली क्षेत्र के जमनीपुर के रहने वाली विकलांग अजीज अहमद और पत्नी जरीना 3 महीने से अशोक लाट त्राह पर अनशन पर बैठी है। वहीं बताया है कि हमारे दादा की 2020 में मृत्यु हो गई थी, जिसमें हमारे विपक्षी लोग फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर 25 जुलाई 1996 में मृत्यु दर्ज करवाकर हमारी जमीन हड़पना चाहते थे। हमारे दादाजी की मृत्यु थी, जिसमें हमारे दादा 2003 में हमारे नाम से रजिस्ट्री वसीयत करवाए थे, तब से जमीन पर हम ही काबिल थे। इसके मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। हमारे विपक्षी परिवार के दादा चाचा या सब लोग फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर हमारी जमीन के आदेश करवा लिया है और हमारे जमीन को दबंगाई से छीन लिया गया, मकान भी कब्जा कर लिया गया। हमारे मुकदमा SDM साहब पास चल रहा है, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हम 3 महीने से अनशन पर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी सही से जांच कर हमें न्याय दिलाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त के सख्त कार्रवाई की जाए। खास रिपोर्ट इबादत सिद्दीकी, जिला संवाददाता बांदा। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? क्या है समस्या लेकर के आप लोग बैठे हुए हैं आज? हमारे आदमी सुना है, दादी हमारी रजिस्ट्री वसीयत करा गई थी हमारे आदमी ने, दूसरे लोग ने, परिवार के घर वाले ने, हमारे चाचा ताऊ ने फर्जी मृत्यु पत्र बना के हमारा जमीन घर मकान सब छीन लिया गया। अच्छा अच्छा, फिर इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ कहाँ करी थी? सगले दे दिया है, तब कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, तो अनशन में बैठे हुए हैं। कब से बैठे हुए हैं? कितने दिन हो गए आप लोगों को? लोग बैठे हैं 21-10 से 3 महीना हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई कार्रवाई की जा रही। क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या मांग करते हैं? लोग ये मांग करते हैं हमारी जो निस्तारण है वो हमें हमारे साथ किया जाए, न्याय चाहिए। अभी तक कोई अधिकारी आया आप लोगों से मिलने? आप लोग सर्दी में बैठे रहते हैं, इस तरह की गलन होती है, खुले आसमान पे नीचे बैठते हैं, क्या इसकी सुध कोई नहीं लेने आता? कोई अधिकारी? कोई नहीं आता, ना कोई सर्दी के लिए आता है, ना कोई गर्मी के लिए। खाने पीने की आप लोगों की क्या व्यवस्था होती होगी? कुछ नहीं हो रही खाने पीने की व्यवस्था, ना तो हमारे पास पैसे है, ना तो हमारे पास खाने के लिए है, ना तो हमारे पास कपड़े है। कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? जब तक हमारा न्याय नहीं होगा, जब तक नहीं यहाँ से जाएंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीज अहमद है, ग्राम जमनीपुर से हूँ। क्या समस्या को लेकर के आप लोग बैठे हुए हैं? हमारी समस्या ये है कि हमारे दादाजी सन 2000 में ख़त्म हो गए। सन 2013 में हमारी दादी ने हमारे नाम रजिस्टर्ड वसीयत कराया, जब से सन 2000 से उस ज़मीन में हम ही काबिज थे, वो सेवा खुशामद करते थे उनकी, तो हमको रजिस्टर्ड वसीयत करा गई थी। उसका मुकदमा न्यायालय तहसीलदार साहब के पास चल रहा था, तो हमारे विपक्षीगढ़ हैं जो हमारे चाचा हैं, दादा हैं, नज़ीर बख्श, दीन मोहम्मद, इदरीस, अनीसा बानो और एक जितवा यादव हैं, वार्ड नंबर 14 से जिला पंचायत है, इसकी साठगांठ से ये लोग मिल करके फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा करके और तहसीलदार साहब को यहाँ लगा दिए, उसमें आदेश करवा लिए। उसके बाद ये हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती गुंडागर्दी से छीन ली गई, हमारे मकान में भी कब्जा कर लिया गया। अब हमारा मुकदमा SDM साहब के यहाँ चल रहा है, उसकी बहस भी हो चुकी है 23 तारीख को, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग यहाँ 3 महीने से बैठे हुए हैं, हमने अपने डॉक्यूमेंट सारे कागज हर अधिकारी को दिया है, जिला अधिकारी को, कमिश्नर साहब को, और क्या नाम है, क्या चाहते हैं DIG साहब को, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि न्याय, हमें न्याय दिया जाए।